महाराष्ट्र स्टेट का एक शहर नासिक बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया था इंफ्रा कम्युनिटी के अंदर 2019 में, क्योंकि यहाँ पर अनाउंस की गई थी मेट्रो नियो प्रोजेक्ट। ये अनाउंसमेंट इसलिए बड़ी नहीं थी क्योंकि मेट्रो प्रोजेक्ट मिल रहा है शहर को, अनाउंसमेंट इसलिए बड़ी थी क्योंकि जो प्रोजेक्ट यहाँ पर कंसीव किया गया था मेट्रो नियो का, ये पूरे देश के अंदर का सबसे यूनिक प्रोजेक्ट होने वाला था पब्लिक ट्रांसिट के अंदर, रबर टायर पे चलने वाली मेट्रो, ऐसे कहते हुए कई लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की। और ये यूनिक था भी, मल्टीपल बसों को जोड़कर बनने वाले ऐसे फ्लीट्स जो ऊपर लगी हुई वायर्स के जरिए पावर लेंगे, ऑब्वियसली रबर टायर्स इसमें होंगे, और रोड पे चलने के बजाय एलिवेटेड एंड डेडिकेटेड रूट्स एंड ब्रिजेस पे चलने वाली ये एक मेट्रो लाइन होती, और इसलिए इसे काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिला। इनफैक्ट महाराष्ट्र के कई पॉलिटिशियंस ने और इनफैक्ट सीएम ने भी यहाँ पर इसके बारे में बात की, लेकिन इसके बाद में इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होते हुए देखा नहीं हमने। 2019 से लेकर 2024 आ गई है और इस समय में देश के कई शहर जो नासिक से पॉपुलेशन ग्रोथ और जीडीपी तीनों में छोटे हैं, वहां पर हमको मेट्रो लाइन्स बनते हुए और पब्लिक को डेडिकेटेड होते नजर आई, लेकिन नासिक में ऐसा नहीं हो पाया। समझते हैं क्यों। अब जो लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही जानते हैं वो आगे थोड़ा जा सकते हैं, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन देना यहाँ पर जरूरी है कि प्रोजेक्ट एक्चुअल में था क्या, ताकि ये प्रोजेक्ट अब तक बना क्यों नहीं उसको समझा जा सके। तो देखो, प्रोजेक्ट कॉस्ट था 2100 करोड़ रुपए, तो छोटा प्रोजेक्ट ये था नहीं। और जो डीपीआर था उसके अंतर्गत दो लाइन बननी थी, इसमें होता लाइन 1 जो गंगापुर से लेकर मुंबई नाका के बीच में बनती 32 किलोमीटर के लेन के साथ, और दूसरी लाइन नासिक रेलवे स्टेशन से लेकर गंगापुर के बीच में बनती जो थी 22 किलोमीटर की लाइन। दोनों में 10 और 20 स्टेशन होते रिस्पेक्टफुल। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ बनने के बाद में हुआ ये कि ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं पर थम गया मल्टीपल अप्रूवल्स आने के बाद में भी। इसका मतलब क्या, 2019 के अगस्त महीने के अंदर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने इसे अप्रूवल दिया, इसके डीपीआर को पूरी तरीके से मान्य किया। जून 2020 तकरीबन साल भर बाद ये डीपीआर जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अप्रूवल के लिए। नवम्बर 2020 में ये डीपीआर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है, और उसके बाद अगले ही साल 2021 में यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थी मिसेस निर्मला सीतारमन, उनके द्वारा ये भी कहा जाता है कि 2100 करोड़ की फाइनेंशियल बैकिंग भी मिलेगी नासिक मेट्रो को। डिजाइन्स अप्रूव हो गए, प्लान्स अप्रूव हो गए, फंडिंग मिली और दोनों गवर्नमेंट्स की बैकिंग। तो फिर उसके बाद में इस प्रोजेक्ट का क्या होता है, चलिए वो थोड़ा समझते हैं। पहले तो यहाँ पे हमें जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं इसके लिए कहीं ना कहीं पर हमें ओपिनियन साइड और जो नॉन पेपर बेस्ड फैक्ट्स होते हैं, तो देखो यहाँ पर हमें ये प्रोजेक्ट डिले की वो इसके लिए दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक चीज वो कि इस समय पर महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, और दूसरे हमें कई सारे ऐसे रिपोर्ट्स के भरोसे ये चीज कन्वे करनी पड़ेगी जो अभी डायरेक्टली हम फैक्ट बेस्ड नहीं कह सकते, बल्कि ये ओपिनियन बेस्ड है और मैं मेरा भी कुछ ओपिनियन दूंगा इस वीडियो के अंदर। पहली चीज समझते हैं, 2021 में अप्रूवल और फाइनेंशियल बैकिंग आने के बावजूद महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो फेवरेबल नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। आप लोग जानते हो महाराष्ट्र का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट उस समय पर ठीक नहीं था कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, और कई प्रोजेक्ट्स ने इसका खामियाजा भी भुगता। सिमिलर चीज यहाँ पर भी हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों की यहाँ पे गलती थी और प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं पे इस समय पर बैक बर्नर में डाल दिया गया, और इसकी वजह से प्रोजेक्ट एक्चुअल में कभी भी टेंडरिंग फेज तक पहुंच नहीं पाया जहां पर इसके लिए टेंडरिंग हो सके। लेकिन इसके बाद की जो मैं रीजंस देने वाला हूं इस प्रोजेक्ट के लिए वो थोड़ा समझना जरूरी है। देखो देश के अंदर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो मुंबई के अंदर वेस्टर्न रेल लाइन एलिवेटेड कॉरिडोर हो, चंडीगढ़ मेट्रो का पहला वाला पार्ट हो जो बहुत समय पहले आया था और बाद में कैंसिल हो गया था, कई सारे दूसरे प्रोजेक्ट्स देश के अंदर, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में प्लानिंग होती है, डीपीआर बनता है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल मिलता है, कहीं ना कहीं पर फाइनेंसिंग मिल जाती है, लेकिन उनको बाद में कैंसिल कर दिया जाता है प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, और कई बार जो है फ्यूचर के रीजंस को पकड़ते हुए जो कभी कभी फीसिबिलिटी रिपोर्ट में सामने नहीं आ पाते। अब देखो यहाँ पर एक बात सोचते हैं, नासिक के अंदर जो मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट बन रहा है वो देश के अंदर बन रहे दर्जनों जो दूसरे नॉर्मल मेट्रोस है उनसे बहुत अलग है, और इनफैक्ट नासिक के लिए नहीं कि दुनिया के लिए पूरा यूनिक। नासिक में अगर ये मेट्रो प्रोजेक्ट बन जाता है तो ये कहीं ना कहीं पर पूरे सप्लाई चेन के अंदर नई चीजें डिमांड करेगा, जैसे मुंबई के मोनोरेल ने दिक्कत बनाई, फिर चाहे यहाँ पर बसेस मंगवानी पड़े, यहाँ का मेंटेनेंस हो, यहाँ पे जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बनेगा ये सब यूनिक होगा, जिसके वजह से नासिक मेट्रो को मेंटेन करना एक्सपेंसिव के साथ साथ काफी कॉम्प्लिकेटेड भी बनता। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये चीज कहीं ना कहीं नासिक के ग्रोथ को रोकती। नासिक एक बहुत प्रॉस्परस सिटी है और इसकी पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है। ये गोल्डन ट्रायंगल का एक भाग है जहाँ पर मुंबई, पुणे और नासिक, ये तीन शहर से ट्रायंगल बनता है, और इन दोनों शहर के बाद में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट शहर है महाराष्ट्र की इकोनॉमी के लिए। यहाँ पर फ्यूचर में ये जो बसेस है ये डिमांड को शायद पूरा नहीं कर पाती। 250 लोगों की मैक्सिमम कैपेसिटी लिखी गई थी पर बस इस प्रोजेक्ट के डीपीआर में। अब खुद सोच के देखिए, नासिक से छोटे शहर जो आज देश के अंदर है वहां पर फुल फ्लेज मेट्रो बनी है, तो यहाँ पर नासिक में अगर 250 की कैपेसिटी वाली बसेस बनती तो वो फ्यूचर में कोई भी यहाँ की डिमांड पूरा नहीं कर पाएगी। और प्रैक्टिकल रीजंस अगर हम देखें इस प्रोजेक्ट की यूनिकनेस की वजह से आने वाली डिफिकल्टीज, इस प्रोजेक्ट का अगर टेंडरिंग भी किया जाता है तो रेयरली ऐसी कोई कंपनी है जो सब कुछ इसे फुलफिल कर पाए। हमें बाहरी देशों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, जबकि मेट्रो हमारे पर आज इंडिया में डेवलप होती है, और कई दूसरे रीजंस की वजह से ये बनाना प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से इतना ईजी नहीं होता। और दूसरी बात ये, जैसे मैंने कहा, फ्यूचर में आने वाले एक्सपांशन और कैपेसिटी की
दिक्कत। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में वापस एक बार सोचने के लिए सरकारों को मजबूर करती है। क्या मैं कह रहा हूँ कि मेट्रो प्रोजेक्ट कभी नहीं बनेगा, इसके ऊपर मैं डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकता। प्रोबेबली हमें इसके ऊपर प्रोग्रेस नजर आएगा, लेकिन मेरा ये ओपिनियन या कहे तो राय होगी इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि ये प्रोबेबली कैंसिल होने के बाद में हमें एक रियलिस्टिक और एक्चुअल मेट्रो प्रोजेक्ट जो होता है उसके ऊपर यहाँ पे हमें काम होते हुए नजर आएगा, जो ना सिर्फ नासिक को बल्कि यहाँ पे आसपास में बढ़ रहे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरे एरियाज है, ओझर हो गया या फिर कोई दूसरे एरियाज जहाँ पर एविएशन पार्क्स बन रहे हैं, उनको कनेक्ट करते हुए रियल मेट्रोज नजर आएगी। और यही चीज इस शहर की फ्यूचर को डिफाइन करेगी। क्या गवर्नमेंट इस चीज में फालतू का डीले कर रही है तो बात हाँ है, लेकिन क्या मेट्रो नियो बनाना ही सबसे बेस्ट डिसीजन था तो ये मैं भी नहीं मानता। मेट्रो नियो से भी बेटर होता कि हम नॉर्मल मेट्रो ही बनाएं। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।